ये कहानी एक बौद्ध भिक्षु की है जो एक लड़की के चक्कर में अपने पूरे जीवन की आध्यात्मिक कमाई को नष्ट कर देता है। उसे सांसारिक मोह अपनी तरफ खींचता है और वो अपने आध्यात्मिक जीवन से विचलित होकर मोह माया के चक्कर में पड़ जाता है, ठीक उस पथ के विपरीत जो गौतम बुद्ध ने चुना था। गौतम बुद्ध का मार्ग था गृहस्थ जीवन को त्याग कर अध्यात्म को अपनाना। तो क्या क्या कांड करता है ये बौद्ध भिक्षु ताशी आध्यात्मिक मार्ग को छोड़कर, आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं समंदर से 15,000 फीट की ऊंचाई में बसा तिब्बत, उसकी हसीन वादियों के बीच एक चरवाहा अपनी भेड़ के झुंड को हांकता हुआ जा रहा है। अपनी पैनी नजर से शिकार की फिराक में ऊपर आसमान में चक्कर लगा रहा बाज एक पत्थर जमीन से उठाकर नीचे गिराता है, जो एक भेड़ के सिर पर गिरता है और वो भेड़ तुरंत मर जाती है। तभी हम एक बौद्ध भिक्षु कबीले को देखते हैं जो अपनी यात्रा पर जा रहे थे। उन्हें वहां से एक लंबी यात्रा कर एक बौद्ध भिक्षु को जगाने जाना है जो 3 साल से समाधि में है। उनका शरीर अकड़ चुका है, शरीर पर धूल जम चुकी है और बाल नाखून बढ़ गए हैं। उनके कान में धीरे से कहा जाता है कि ताशी समय हो गया है। ताशी को नदी किनारे लाया जाता है, बाल और नाखून काटे जाते हैं और उनको नहलाया जाता है और नए वस्त्र पहना दिए जाते हैं। आश्रम लौटते वक्त ताशी एक पत्थर पर लिखा देखता है, जल की एक बूंद को कैसे सूखने से रोका जा सकता है। ताशी के वापस आने पर सभी लोग बहुत खुश थे। अभी उसे कुछ और समय लगेगा जब वो फिर से चल फिर और बोल सकेगा। एक दिन उसी आश्रम में एक बच्चे का पिता उसे आश्रम में छोड़कर जाने लगता है, जिस पर वो बच्चा बहुत रोता है। उसे भी अपने पिता के साथ घर जाना है। तभी ताशी का दोस्त सोमन उससे पूछता है कि जब तुम्हें यहाँ पर लाया गया था तो क्या तुम भी रोए थे। पर ताशी को कुछ याद नहीं था। जब से उसने होश संभाला है उसने खुद को यहीं पर पाया है। कुछ दिनों बाद यहाँ पर एक समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमें रिनपोचे यानी लामा गुरु के अवतार ताशी खेनपु की उपाधि देते हैं। बुद्धिज्म में खेनपु एक डिग्री है जो बुद्धिज्म के गहन अध्ययन के बाद मिलती है। सबको मालूम है कि बुद्धिज्म में ताशी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। इस समारोह में नाचते समय ताशी का ध्यान एक औरत पर जाता है जो अपने नवजात शिशु को दूध पिला रही थी और ताशी वहां से अपनी नजर नहीं हटा पाता। तब उसके गुरु अप्पू उसे वहां से ले जाते हैं। जब ये रिनपोचे को पता चलता है तो उसे पास के गांव में फसल कटाई के त्योहार पर ले जाने के लिए कहा जाता है क्योंकि उसे खुली हवा की जरूरत है। अगली सुबह गांव के जमींदार के घर वो पूजा करने के लिए जाते हैं। पूजा के वक्त चूड़ियों की खनक से ताशी का ध्यान बार बार भटकने लगता है और रात में उनका वहीं पर ठहरना था। जब ताशी सोने जा रहा था तो सीढ़ियों पर उसकी मुलाकात प्रेमा से होती है। प्रेमा जमींदार की इकलौती बेटी थी और ताशी की नजर उससे हट नहीं पाती। अगली सुबह सभी तैयारियां करते हैं और ताशी का ध्यान अभी भी प्रेमा पर था और अब तो प्रेमा भी ताशी को देख रही थी। पास खड़ा जामयांग भी ये नजारा देख रहा था जो प्रेमा का मंगेतर है। रात को ताशी की सांस लेने की जोर जोर से आवाज आती है और ये आवाजें सुनकर सोमन उसके पास जाता है और देखता है कि ताशी का नाइटफॉल हो रखा है। सोमन ये देखकर रोने लगता है क्योंकि वो समझ चुका था कि उसका मित्र रास्ता भटक चुका है और एक बौद्ध गुरु को ये शोभा नहीं देता। अगली सुबह सोमन उससे आंख चुराने लगता है। लामा अप्पू को ये बात समझते देर नहीं लगती, इसलिए वो ताशी को बुलाकर एक नक्शा देते हैं और उसे आज शाम को वहीं जाने के लिए कहते हैं। ताशी के साथ आश्रम का पालतू कुत्ता काला भी ताशी के साथ जाता है। ताशी वहां पर पहुंच जाता है और वहां उसे एक गुरु मिलती हैं जो चित्रकारी के जरिए उसे समझाते हैं कि ये शरीर खोखला है, उसके अंदर के लिए तुम भक्ति मार्ग को मत छोड़ो, इसे एक दिन नष्ट हो जाना है और साथ में इससे जुड़े आनंद भी। मन पर काबू पाना सारी इच्छाओं से मुक्ति है, लेकिन ताशी इंद्रियों पर था इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब ताशी आश्रम पहुंचता है कि आपने ब्रह्मचर्य जीवन को परम संतुष्टि का मार्ग बताया है तो फिर मैं इतना बेचैन क्यों हूँ और किसी चीज को जाने बिना मैं उसका त्याग कैसे कर सकता हूँ। लामा अप्पू उससे कहते हैं कि तुम अपना रास्ता चुन सकते हो। रात को जब सभी सो रहे थे तो ताशी अपने घोड़े को लेकर आधी रात को वहां से निकलता है। कुछ दूर जाने के बाद वो पीछे मुड़कर अपने आश्रम को देखता है जो कि उसका घर था। घाटी से उतरकर ताशी अपने वस्त्र उतार देता है और साधारण वस्त्र पहन लेता है। काला उस पर भौंकने लगता है, शायद वो ये कह रहा हो कि ताशी को मैं नहीं पहचानता। गांव पहुंचकर वो उसी जमींदार तेंजिंग के यहाँ पर काम मांगने जाता है और उसे वहां पर काम पर रख लिया जाता है क्योंकि तेंजिंग एक नेक आदमी था। अगले दिन से ही ताशी बाकी मजदूरों की तरह खेतों में काम करने के लिए जाता है। दोपहर को तेंजिंग ने अपनी बेटी प्रेमा को उसी नए मजदूर को खाना देने के लिए भेजा है। जब प्रेमा ने देखा वो नया मजदूर ताशी है तो वो दंग रह जाती है। प्रेमा पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ताशी कहता है कि तुम्हारे लिए, अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगी तो मैं कल सुबह होने से पहले ही यहाँ से चला जाऊंगा। शाम को प्रेमा उसके पास जाती है क्योंकि वो भी उसे पसंद करने लगी थी और फिर वो दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं। आधी रात को जब वो छुपकर घर में दाखिल हो रही थी तो उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और उसके मुंह पर कालिक पोत देती है क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वो नए मजदूर के साथ थी। प्रेमा के पिता और उसका मंगेतर ताशी की पिटाई करने जाते हैं। पहले तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद तेंजिंग उसे पहचान लेता है और उसकी घर लाकर मरहम पट्टी करता है। प्रेमा और जामयांग एक ही गांव के हैं और बचपन से साथ खेलकर बड़े हुए हैं। प्रेमा जामयांग को बताती है कि कल ज्योतिष को बुलाया गया है, वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा।
अगले दिन ज्योतिष ने आकर शादी की तारीख इसी महीने की 10 तारीख रख दी, पर सभी हैरान थे कि शादी आखिर किससे होनी है, जामयांग या फिर ताशी से। ज्योतिषी कहता है, और किससे होगी? ताशी से होगी। कल रात को ही जामयांग ने मुझे ताशी और प्रेमा की शादी की बात बताई थी। जामयांग ने अपनी भावनाओं की कुर्बानी दे दी थी। प्रेमा उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जामयांग कहता है कि हमारी शादी तो तय थी, फिर ज्योतिषी को बुलाने की क्या जरूरत थी। 10 तारीख को ढोल नगाड़ों के साथ प्रेमा और ताशी की शादी हो गई। उनका जीवन सुखी से बीतने लगा। इस बार भी फसल की कटाई के बाद बिचौलिए उनके अनाज को खरीदने के लिए आते हैं। नाप तोल करते समय ताशी को कुछ गड़बड़ लगती है और जांचने पर पता चलता है कि उसका तराजू सही नहीं है, और यहाँ पर इनकी बहस छिड़ जाती है। बिचौलिया बिना अनाज खरीदे वहां से चला जाता है। जमींदार तेंजिंग ताशी पर गुस्सा करता है कि अब कौन हमारा अनाज खरीदेगा। ताशी कहता है कि हम खुद अपना अनाज बाजार लेकर जाएंगे और वहां पर बेचेंगे। अगले दिन सफर के लिए गर्भवती प्रेमा खाना एक गटरी में बांधकर ताशी को देती है। सारा सामान एक ट्रक में लादकर वो तिब्बत बाजार में पहुंचे और अपना सारा अनाज बेच दिया। पहले के मुकाबले आज उन्होंने काफी मुनाफा कमाया। तेंजिंग आज काफी खुश थे। रास्ते में उन्हें बिचौलिया मिला जो कहता है कि मुझसे दुश्मनी मोल लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। मैं सालों से तुम्हारा अनाज खरीदता आया हूं और आज इस लड़के के कहने पर तुमने अपने तौर तरीके ही बदल दिए हैं। उधर ताशी के आते आते प्रेमा के पेट में दर्द होना शुरू हो गया और उनके घर एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम इन्होंने कर्मा रखा। एक दिन प्रेमा की सहेली सुजाता, जो एक मजदूर की बेटी है, ताशी को वो नदी किनारे नहाते हुए दिखती है और वो उसे देखने की अपनी इच्छा को दबा नहीं पाता। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और अब कर्मा 5 साल का हो चुका है और इस बार जामिया उस बिचौलिए को अनाज बेच रहा था, लेकिन ताशी उसे रोकने की कोशिश करता है और इस बार भी बिचौलिया वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। जामयांग ताशी पर गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी तरह नहीं बनना, मैं वही करूंगा जो मेरे पिता करते हैं। उसी रात ताशी की पकी पकाई फसल में आग लग जाती है। सूखी फसल में आग फैलते देर नहीं लगती, पूरा गांव मिलकर उसे बुझाने में लग जाता है। आग बुझाते बुझाते सुबह हो जाती है, लेकिन अब सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। गुस्से में ताशी जामयांग पर शक करता है कि उसी ने ये आग लगाई होगी। जब उसने इनकार कर दिया तो अब शक करने के लिए एक ही इंसान बचा था। वह तुरंत घोड़ा लेकर बिचौलिए के पास जाता है और वहां पर बिचौलिए के लोग उसका बुरा हाल कर देते हैं। फिर बिचौलिया कहता है कि तुम्हारा इल्जाम है, यहाँ ऐसे काम कोई नहीं करता। प्रेमा और तेंजिंग भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं और ताशी को लेकर घर आ जाते हैं। कुछ दिन बाद बचा कुचा अनाज लेकर प्रेमा सौदे के लिए बाजार निकलती है और आज सुजाता अपनी मजदूरी का हिस्सा मांगने उसके घर आती है और ताशी उसके हमबिस्तर होने से खुद को रोक नहीं पाता। जब प्रेमा वापस आई तो वो उससे नजरें नहीं मिला पाता। ताशी सोच में पड़ जाता है कि उसके साथ में ये क्या हो रहा है। तभी ताशी के पास उसका दोस्त सोमन आता है। पुराने दोस्त एक दूसरे के गले मिलते हैं। वह बताता है कि लामा अप्पू अब नहीं रहे। जब उन्हें पता चला कि उनका समय आ गया है तो उन्होंने ये पर्चा तुम्हें देने के लिए कहा। उसमें लिखा है कि ताशी मेरा समय आ चुका है, पर मुझे नहीं पता कि मेरा काम अभी खत्म हुआ है। मुझे दोबारा इस संसार में आना होगा। मुझे यकीन है कि हमारी मुलाकात फिर होगी और मैं उस दिन तुमसे पूछूंगा, और मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब होगा कि हजारों इच्छाओं को संतुष्ट करना आसान है या फिर एक पर विजय पाना। तुम्हारा गुरु अप्पू। ताशी को यह सवाल अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और वो सारा सारा दिन सोचता रहता, और एक दिन वो रात को अपने घर से निकल जाता है। सुबह उसी नदी में उसने अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर कांस्य वस्त्र धारण किए। रास्ते में उसे प्रेमा मिली जो उसे कहती है कि कोई भी इंसान ऐसे रातों रात अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकता है। कल को जब उसका बेटा उसके पिता के बारे में पूछेगा तो वो क्या जवाब देगी। ऐसा घटिया काम सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, औरत कभी नहीं। तुमने मुझसे जितना प्रेम किया है, अगर उतना अपने धर्म से किया होता तो अब तक तो तुम जीवन में बुद्धा बन गए होते। उसके बाद प्रेमा चली जाती है और ताशी अपने अशांत मन को शांत करने के लिए रोने लगता है। जब उसके आंसू सूख गए तो उसे वही पत्थर मिलता है जिस पर लिखा था, जल की एक बूंद को सूखने से कैसे रोका जाए, और इसका जवाब भी पत्थर के पीछे लिखा था, उसे समंदर से मिल जाने दो, फिर वो कभी नहीं सूखेगी। तभी ताशी को ऊपर आसमान में एक बाज चक्कर लगाते हुए दिखता है। ताशी सोचता है कि काश ये बाज एक पत्थर उस पर भी फेंक दे और उसकी सारी विडंबना और पीड़ाओं का अंत कर दे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। हमारा जीवन बारिश की बूंदों के समान है, जब ये भाप बन जाता है तो मृत्यु के समान है, और यही जल की बूंद अगर समंदर में मिल जाए तो यही आत्मा का परमात्मा से मिलन है, फिर ये कभी नहीं सूखेगा। इंसान की इच्छाओं और आकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है, जैसे कि इस कहानी में दिखाया गया है। पहले काम वासना, फिर भौतिक चीजों के लिए लोभ, धन, राग, द्वेष, और अंत में पराई स्त्री पर नजर। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, हमें विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।